पुणे आणि मुंबई पासून अगदी जवळ तळेगाव कानेफाटाच्या निसर्गरम्य आणि स्वच्छ परिसरात गेटेड कम्युनिटीमध्ये PMRDA सँक्शन कलेक्टर यांनी प्लॉटिंगचा सर्व अत्याधुनिक सुखसुविधांनी युक्त असा 15 एकर मधील प्राइम रियालिटी प्रेझेंट्स ओशन लाईफलँड्स ग्रँड हा प्रोजेक्ट आज मी आपल्यासाठी घेऊन आलेली आहे. मित्रांनो, या प्रोजेक्टला सुंदर आणि सुशोभित असे एंट्रन्स गेट दिलेले आहे. या प्रोजेक्ट मधील एंट्रन्स रोड हा 30 फुटी असून अंतर्गत रस्ते सुद्धा तुम्हाला 30 फुटाचे देण्यात आलेले आहेत. सोबतच या ठिकाणी स्ट्रीट लाईट देण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक प्लॉटला सेपरेट नळाचे कनेक्शन आणि लाईटचे कनेक्शन देण्यात आलेले आहे. सोबतच प्रत्येक प्लॉटसाठी सेपरेट ड्रेनेजही प्रोव्हाइड केलेले आहे. तसेच प्लॉट खरेदी केल्याच्या नंतर प्रत्येक प्लॉट धारकाचे नेम प्लेट या ठिकाणी देण्यात आलेले आहे. फ्रेंड्स, या प्रोजेक्टमध्ये वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, जसं की गार्डन, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, सिनियर सिटीजन एरिया, क्लब हाऊस दिलेले आहे आणि मल्टीपर्पज हॉल विथ किचन या ठिकाणी देण्यात आलेले आहे. तसेच या ठिकाणी भला मोठा असा स्विमिंग पूल दिलेला आहे. इनडोर मध्ये तुम्ही इथे बघू शकताय, जिम दिलेले आहेत, इनडोर गेम दिलेले आहेत. तर असा हा सगळा प्रोजेक्ट असणार आहे. सो प्रोजेक्टची डिटेल माहिती पुढे आपण व्हिडिओमध्ये घेऊया. हाय, हॅलो, नमस्कार, जय महाराष्ट्र मंडळी. मी वैशाली, मार्केट अँड मच मोर या आपल्या सर्वांच्या लाडक्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मी पुन्हा एकदा खूप 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 स्वागत करत आहे. तर फ्रेंड्स, आपल्या सगळ्यांना तर माहीतच आहे की आपल्या चॅनलवर नेहमी वेगवेगळ्या मार्केटचे इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज मी आपल्यासाठी घेऊन येत असते. आज देखील मी आपल्यासाठी NA प्लॉटिंगचा इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे आणि त्यासाठी मी आपल्याला घेऊन आलेली आहे तळेगाव या ठिकाणी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तळेगावमधील प्राइम रियालिटी प्रेझेंट्स ओशन लाईफ लँड ग्रँड हा प्रोजेक्ट आज आपण बघणार आहोत. हा जो प्रोजेक्ट आहे टोटल 15 एकरमध्ये असून या ठिकाणी 3 फेज आहेत. त्यातल्या फेज 1 आणि फेज 2 टोटली सोल्ड आउट झालेले आहेत आणि फेज 3चे बुकिंग सुरू झालेले आहे. जर तुम्हाला पुणे आणि मुंबईपासून जवळ असलेल्या तळेगावमध्ये योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करायची आहे तर तुम्हाला ओशन लाईफ लँड ग्रँड हा प्रोजेक्ट एकदम उत्तम पर्याय आहे. या ठिकाणी आपल्याला PMRDA सँक्शन कलेक्टर यांनी प्लॉट्स उपलब्ध आहेत. तर फ्रेंड्स, आता आपल्याला ओशन लाईफ लँड्स तळेगाव खाणे या प्रोजेक्टबद्दलची डिटेल माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत सर आहेत. नमस्कार सर, आपलं स्वागत आहे आमच्या चॅनलमध्ये. तर सर, आपला हा जो प्रोजेक्ट आहे तळेगाव कानेपाठामध्ये लोकेटेड आहे, तर आपल्या प्रोजेक्टबद्दलची डिटेल माहिती आमच्या ऑडियन्सला सांगा. जी जी, नमस्ते सर, मेरा नाम विवेक है और ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है तलेगांव और लोनावला के बीच में कानेफाटा लोकेशन है. अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना गेटेड कम्युनिटी के अंदर PMRDA सेंक्शन और NA प्लॉट का ये प्रोजेक्ट है जो बेसिकली PMRDA से पूरा सेंक्शन किया हुआ है और 1.4 का FSI हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं. FSI मतलब कि आप कितना बना सकते हैं. अगर बेसिकली मैं एग्जांपल बताऊं तो 1 घंटे का अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उस पर आप 1400 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया और 2500 से 3000 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया आपका बनेगा. तो बेसिकली 3 फ्लोर का बंगलो आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं. कितने एकर का प्रोजेक्ट है अपना? जी टोटल मेरा यहाँ पे मैडम फेज 1 और फेज 2 जो है 14.65 का लैंड पार्सल था एकड़ का और 272 यूनिट्स हमने यहाँ पे पूरे डेवलप किए थे एंड 17+ एमिनिटीज अपने यहाँ पे ऑपरेशनल्स है जो आप यहाँ पे अभी वीडियो में दिखा रहे होंगे. तो वो ऑपरेशनल्स जो एमिनिटीज है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अगर मैं एमिनिटीज का बात करूँ तो जैसे अपना क्लब हाउस है, मल्टीपर्पज हॉल है, उसके बाद में किचन एरिया है, कैफ़े एरिया है, इनडोर गेम्स है, कवर्ड जिम्स है, फिर उसके बाद में आउटडोर एक्टिविटीज़ है, किड्स प्ले एरिया है, सीनियर सिटीजन पार्क है और स्विमिंग पूल हमने यहाँ पे दिया है. और सबसे बेस्ट हमारा यहाँ पे गेस्ट हाउस कंसेप्ट है कि मान लो आपने प्लॉट लिया है और कंस्ट्रक्शन नहीं किया है तो आप यहाँ पे अगर आपको फैमिली गेट टुगेदर करना है या 1-2 दिन के लिए सोसाइटी में स्टे करना है तो आप गेस्ट हाउस को बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं. तो टोटल 4 जो रूम हमने गेस्ट हाउस में यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 में डेवलप किए हैं तो टोटल मेरा 30,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर पूरा एमिनिटीज यहाँ पे बनाया हुआ है.
जो आपको वीडियो में यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें हमारे पास में तीन तरह के प्लॉट्स थे, रो हाउस थे, ट्विन बंगलो थे, इंडिविजुअल बंगलो थे। रो हाउस मतलब कि आपका दो वॉल कॉमन शेयरिंग रहेगा, ट्विन बंगलो में सिंगल वॉल का कॉमन शेयरिंग रहेगा और इंडिविजुअल बंगलो में आपको कोई भी वॉल शेयरिंग नहीं करना रहेगा। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा बंगलो कंस्ट्रक्शन का टाइम लिमिट नहीं रखा है, आपको जब फंडिंग आपका अरेंज रहे तब आप जो है बंगलो का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसा डिजाइन आपको बनाना है वैसा डिजाइन आप बना सकते हैं और आप अपना खुद का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं या बिल्डर का हेल्प भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके बाद में जो है अभी हम फेज थ्री यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। फेज थ्री आप देखेंगे तो सेम कंसेप्ट अपना फेज वन और फेज टू के हिसाब से फेज थ्री का भी रहेगा। इसमें बेसिकली सारे जो एमिनिटीज है वो हम जो एमिनिटीज है पूरे यहाँ पे नए डेवलप कर रहे हैं और जो फेज वन फेज टू में आपको एमिनिटीज मिला हुआ है सेम वैसा एमिनिटीज रहेगा। उसमें एड ऑन में आपको एक तो बेबी पूल का रहेगा एंड एक बड़ा पार्टी लोन है और एक आपको टर्फ यहाँ पे पूरा हम डेवलप कर रहे हैं। और इसमें भी जो रहेगा अपना मेन रोड एंट्रेंस का 30 फीट का सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड रहेगा, दोनों तरफ में जॉगिंग ट्रैक्स है, आपका स्ट्रीट लाइट्स है और सीट आउट स्पेस रहेगा। अंदर के सारे रोड भी जो है 30 फीट के सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड यहाँ पे रहेंगे। मिनिमम प्लॉट साइज हमने यहाँ पे जो है 1035 का किया है और उसमें FSI आप 1.4 का अगर यूज करते हैं तो आपका एक बढ़िया 5 BHK का बंगलो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने प्लॉट साइज जो है यहाँ पे 1035 और उसका कॉस्टिंग जो है 29 लाख रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव पैकेज है एंड उस पर आप 40 लाख रुपीज़ का अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बेसिकली आपका 70 लाख रुपीज़ में एक बढ़िया 5 BHK बंगलो आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है और उसके अंदर जो है आपका 2500 का सेलेबल एरिया आपको कंस्ट्रक्शन के साथ में मिलेगा। तो बेसिकली अभी ये अगर अपन देखते हैं कि अपने को यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहिए, तो अगर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेकेंड होम बना रहे हैं या फर्स्ट होम अगर अपन बना रहे हैं तो अपन ये लोकेशंस में क्यों, तो उसके पीछे है कि ये जो काने फाटा का जो एरिया है ना ये फुल्ली डेवलप्ड एरिया है और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको रेलवे कनेक्टिविटी भी है, आपको हाईवे कनेक्टिविटी है और आपको एयर कनेक्टिविटी भी है। अगर मैं हाईवे कनेक्टिविटी के बारे में बात जो है 5 से 6 किलोमीटर पर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे आएगा और 2 किलोमीटर पर ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे आपको कनेक्ट होता है। और यहाँ पे अगर मैं रेलवे कनेक्टिविटी का बात करूँ तो मेरा 1 किलोमीटर पे काने फाटा का स्टेशन है, वहाँ से आप लोनावला या पूना जाके सारे एक्सप्रेस ट्रेन का जो है ट्रेवलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर मैं एयर कनेक्टिविटी का बात करूँ तो अभी सबसे बड़ा डेवलपमेंट पनवेल एयरपोर्ट है, मोस्टली 1 घंटे में अपन यहाँ से पनवेल पहुँच सकते हैं जो 73 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से पनवेल का एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट और पूना एयरपोर्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अभी बेसिकली ये एरिया में डेवलपमेंट अगर मैं देखूँ तो अपना बेसिक नेसेसरी रहता है कि एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज। तो सबसे पहले अगर अपन मेडिकल फैसिलिटीज़ का बात करें तो मेरा काने फाटा के अंदर अभी सबसे बड़ा गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल पूरा तैयार हो रहा है, जो आप काने में एंटर करेंगे तो आपको कॉर्नर में दिखेगा। एंड एजुकेशन का मैं बात करूँ तो सर एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे अभी सबसे बढ़िया बड़ा अभी PCU का पिंपरी चिंचोड़ का जो है बड़ा कैंपस अभी स्टार्ट हुआ है एंड इसके बाद में तलेगांव में काफ़ी स्कूल्स है, कॉलेज है, कामसेत में है और कानेवाटा में भी अभी सिम्बोसिस का जो है लैंड पार्सल अभी एक्वायर हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी पिकअप ड्रॉप फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आपको 5-6 किलोमीटर के रेंज में सारे CBSE है, NCERT के स्कूल्स कॉलेज सब अवेलेबल्स रहेंगे। और इंडस्ट्रियल में बात करूँ तो मेरा टाकवे MIDC, तलेगांव MIDC और चाकन MIDC का पूरा मर्जिंग हो रहा है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा MIDC बन रहा है, क्योंकि इसकी वजह से पनवेल में एक कार्गो एयरपोर्ट बना हुआ है तो वो कनेक्टिविटी के हिसाब से ये पूरा MIDC एरिया डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा पोल्यूशन वाले प्लांट जो है नहीं आने वाले, क्योंकि अपने बाजू में आम्बी फ्लोवर सप्लाई का पूरा एरिया है जिसमें ऑल ओवर इंडिया में फ्लोवर्स का सप्लाई होता है। तो यहाँ पे राउंड में 10 किलोमीटर्स में कोई भी पोल्यूशन वाले प्लांट नहीं आ सकते, तो जितने भी यहाँ पे MIDC में प्लांट आ रहे हैं वो आपको बगैर पोल्यूशन वाले रहेंगे। तो आपका एरिया जो है नेचर वाइज अपना पूरा माउंटेन व्यू यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंपनी का टैगलाइन है कि बंगलो बनाओ BHK भूल जाओ,
तो इसके हिसाब से अगर आप अपना सपनों का घर बनाने वाले हैं या आपको बनाना है और पूना जैसे सिटी में आपका एक बंगलो हो, तो आप प्रोजेक्ट विजिट के लिए वीडियो में जो नीचे दिए गए नंबर है आप उन पे हमारे सेल्स पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट कैसा डेवलप है वो आपको पूरा बताएंगे। और अगर आप प्रोजेक्ट पे आके प्रोजेक्ट का विजिट करते हैं तो आपको काफ़ी एक अच्छा डेवलप प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंक्वायरी कीजिए और प्रोजेक्ट पर विजिट कीजिए और हमारे सेल्स पर्सन से आप कॉन्टेक्ट कीजिए। जय महाराष्ट्र।